हेलो वडीज़ वेलकम है आप सभी का डिस्प्ले रेसिपीज़ पे मैं हूँ खुशबू और आज हम बनाने वाले हैं उत्पम उत्तपम बनाना बहुत ही इजी है साथ ही साथ ही बहुत ही हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी होता है और बहुत ही कम समय में बन जाता है लुकिंग वाइज भी ये बहुत ही अच्छा लगता है बच्चों को स्पेशली ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा साथ ही साथ मेरे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज के मजेदार रेसिपी तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ एक बड़ा मिक्सिंग बॉल और इसमें डालेंगे सूजी तो यहाँ एक बॉल में यहाँ डाल रही हूँ फाइन सूजी मतलब बारीक वाली यहाँ सूजी है आप कोई सी भी कटोरी या गिलास से यहाँ मेजरमेंट कर सकते हैं तो यहाँ मैंने बारीक सूजी लिया आप मोटी भी ले सकते हैं आप इसमें डाल देंगे हमें एक कटोरी ही दही तो यहाँ फ्रेश दही डालना है जितना हमें सूजी लेनी उतना ही मैंने यहाँ दही डाल दिया है अगर खट्टा दही है तो आप आधी क्वांटिटी में दही लें दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है अब हम इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक तो आधा से एक छो, छोटा चम्मच के बीच में आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल दीजिए और उसके बाद हम मैंने यहाँ जितनी सूजी ली थी उसके आधी क्वान्टिटी का पानी डाल दिया है इन सभी चीज़ों को हम चला करके अच्छे से मिक्स कर देंगे तो ये इस तरीके का बैटर बन चुका है और अब हम इसे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे तो मैं इसे कवर कर दूंगी और पंद्रह से बीस मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे जिससे कि जो हमारी सूजी है वो अच्छे से फूल जाएगी तो इसको ढक करके हम रख देंगे साइड में और उसके बाद हम यहाँ दूसरा बॉल लेंगे और इसमें कुछ वेजेज ऐड करेंगे तो यहाँ एक बड़े साइज का टमाटर था इसे मैंने इस तरीके से बारीक बारीक कट कर लिया है और यहाँ मैंने एक कैप्सिकम नद शिमला मिर्च थी इसे भी मैंने इस तरीके से फाइनली कट कर लिया है और एक प्याज को भी मैंने इसी तरीके से बारीक बारीक कट कर लिया है ये तीनों वेजेज मैंने इसमें डाल दिए हैं आप चाहें तो अपने पसंद के अकॉर्डिंग इसमें पत्ता गोभी गोभी पनीर ऑलिव कुछ भी डाल सकते हैं इन सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हम इसमें टेस्ट के लिए थोड़ी सी चीज़ें ऐड करेंगे तो इसमें हम डाल देंगे नमक तो टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक डाल दीजिए तो यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच नमक और मैं इसमें डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर तो आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें रेड चिली डाल दी है इसे सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे और मैं इसमें डाल रही हूँ एक छोटा चम्मच कद्दूकस की हुई अदरक डाल रही हूँ आप चाहें तो इसमें बारीक बारीक कट करके कर हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आपके पास फ्रेश कोरिएंडर मीनस फ्रेश हरा धनिया हो तो उसकी पत्तियाँ भी आप इसमें कट कर करके डाल सकते हैं तो इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसके बाद हम हमारे बैटर को चेक कर लेते हैं तो बैटर को रखे हुए हमने पंद्रह मिनट हो चुका है सूजी अच्छे से फूल चुकी है बैटर हमारा गाढ़ा हो चुका है तो अब कंसिस्टेंसी हम एडजस्ट करेंगे तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो जिस कटोरी से हमने सूजी ली थी एक कप हमें सूजी ली थी उसका आधा कप हमने यहाँ पानी ले लिया है और इस आधे कप में से सिर्फ आधा ही पानी डाल करके पहले मिक्स करके देखेंगे तो आधा पानी मैंने डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इस बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट लग रही है बहुत ज़्यादा गाढ़ा बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है मीडियम कंसिस्टेंसी रखनी है तो ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है तो यहाँ मैंने आधा कप में से सिर्फ आधा पानी डाला है मतलब जो ये वन फोर्थ कप ही पानी डाला है और जो वन फोर्थ कप पानी है वो बच गया है तो इसे हम साइड में रख देंगे हमारा बैटर बन बिल्कुल रेडी है तो अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं तो इसके बाद हम यहाँ लेंगे एक नॉन स्टिक तवा इसे गैस पर रखेंगे गैस का फ्लेम ऑन करने के बाद हम इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और एकदम इसके सेंटर में इस तरीके से बैटर को डालेंगे और गोल गोल फैला देंगे बहुत ज़्यादा पतला नहीं फैलाना है मोटा मोटा ही फैलाना है बस एक शेप दे देंगे हम इसे अच्छे से तो यहाँ देखिए मैंने इसे इस तरीके से गोल शेप दे दिया है अब हम इसमें हमारे जो वेजेस का मिक्स रखा हुआ था वो सारे डाल देंगे और अच्छे से फैला देंगे तो कम ज़्यादा जैसे आप सब्जियाँ खाना पसंद करते हैं वो इसमें डालिएगा जो सब्ज़ी आपको ज़्यादा पसंद हो वो ज़्यादा भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं तो यहाँ देखिए इसे मैंने अच्छे से फैला दिया है और देखिए लुकिंग वाइज भी बिल्कुल पिज्ज़ा की तरह लग रहा है तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा ये तो गैस का फ्लेम हमने यहाँ कर दिया है मीडियम और हम इसे कवर करके एक से डेढ़ मिनट के लिए पकने देंगे एक से डेढ़ मिनट बाद हम इसे हटाएँगे तो यहाँ देखिए जो हमारे ऊपर की जो वैजेज़ होती है ना ये हल्की सॉफ्ट हो जाती हैं और इसके बाद हम इसे फ़टाफट से पलट देंगे कुछ इस तरीके से इसे सावधानी से पलटिएगा और अगर बैटर हमारा पतला होगा तो इसको इस तरीके से पलटते टाइम ना वो टूट भी सकता है इसलिए बैटर का ध्यान रखिएगा ज़्यादा पतला बैटर नहीं होना चाहिए और दूसरी साइड भी इसे हमें अच्छे से सेक से लेना है आधे मिनट के लिए और वापस से इसे सीधा करके पलट लेंगे तो ये देखिए ये जो हमारा उत्पम है वो बनके बिल्कुल रेडी हो चुका तो है देखिए जो हमारी वेजेस हैं ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं और जो हमारा बेस था सूजी का वो भी अच्छे से पक चुका है तो हम इसे निकाल लेंगे बहुत अच्छे से सिक करके रेडी हुआ है ये हमारा उत्पम तो ये हमारे बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह बनता है अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी चीज़ भी ऐड कर सकते हैं अगर बच्चे पिज़्ज़ा के लिए जिद कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है बस इसी तरीके से हम सारे उत्पा बना के रेडी कर लेंगे बहुत ही टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी साथ ही साथ जल्दी से भी बन कर रेडी हो जाते हैं तो आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा साथ ही साथ मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा तो मिलते हैं अगली ऐसी एक न्यू वीडियो के साथ तब तक लिए बाय बाय टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग